माँ को ब्लैकमेल कर रहे हो? आप जो चाहे समझे। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। लगता है आपकी दुआएं काम कर गई। अंकल ने इनकार कर दिया जुनैद के लिए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, कुछ खुशखबरी तो सुनने को मिली। हाँ, लेकिन ये खुशखबरी सुन के कोई नई उम्मीदें मत लगा लीजिएगा आप। मुमानी मानने वाली नहीं है और ना ही मेरा फैसला तब्दील होगा। माँ को ब्लैकमेल कर रहे हो? आप जो चाहें समझे। अगर आपने वो नहीं किया जो मैंने कहा है तो फिर वही होगा जो मैं कह चुका हूं। रहोगे कहाँ? ससुराल में? भाभी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगी। ससुराल जाकर अपनी इज्जत नहीं गवाऊंगा। दामाद हो, अपनी इज्जत करवाना जानता हूं। लेकिन आप सोच रहे, मैं यहां से गया तो फिर वापस नहीं आऊंगा और मुझे पूरा यकीन है कि अन्नु किसी न किसी तरह मुमानी को मना लेगी हमारी शादी और मैं उससे शादी करके एकदम सेटल्ड हो जाऊं। भाई जुनेद अपनी इकलौती बहन को घर तो गिफ्ट करेगा ही शादी में, और मैं उस आलीशान से घर में बीनी के साथ सेटल हो जाऊं। आपका क्या होगा? और जुनेद जो इस घर का खर्चा चलाता है सिर्फ आपकी जिद की वजह से, वो मेरी अन्नू से शादी होते ही हाथ उठा ले। और क्या पता अन्नू भी खूबसूरत को नौकरी से निकाल दे। कहां जाएंगी आप? तुम तो इंतहाई दर्जे के। जब आप मेरी नेचर से वाकिफ हैं तो जरा सोच समझ के फैसला कीजिए।